स्किन प्रेप करने के बाद अगर फाउंडेशन लगाते हैं वो और अच्छी स्मूथली ब्लेंड होती है। सो हमने पहले ये हल्का सा 12 नंबर का जो फाउंडेशन का शेड है एसएल बेसिक का हाई डेफिनेशन है, ठीक है, इसको 12 नंबर लगा रहे हैं। 12 नंबर लगा रहे हैं, 12 नंबर लगा रहे हैं। अच्छा, फाकिया को मैंने इसलिए, आपने बोला कि आपका जो डार्क फाउंडेशन है, अच्छा यहाँ ये भी बता दूं कि खास तौर पर देखें, हम जब बाहर से चीजें लाते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि वो उनकी अपनी जो स्किन टोन है, उनकी अपनी स्किन की चीजें हमें सूट नहीं करती, सूट नहीं करती हैं। ये हमने खास तौर पर ऐसा ब्रांड है जिसमें हम कोई भी चीज इस तरह से नहीं है, हर चीज पाकिस्तान से बनी हुई है। दैट्स अमेजिंग। तो उसमें ये है कि आपको कम से कम हमें पता है कि आपकी स्किन पे क्या सूट करेगा, हमारी स्किन पे कितनी देर स्टे करेगा। ये मेरी गारंटी है कि आप एक दफा लगाएंगे 12 घंटे तक ये, यस 12 घंटे तक ये नहीं उतरेगा। ड्रामे के शूट के लिए सबसे अच्छा ड्रामे ये देखिए ना आप, बिल्कुल बहुत सॉफ्टली स्मूथली ब्लेंड हो रहा है। अच्छा, मैंने थोड़ी ज्यादा इसलिए लगाई है क्योंकि ये हम थोड़ा सा फॉर्मल कर रहे हैं, ठीक है, और हम कवरेज ज्यादा कर रहे हैं। उसके अलावा स्क्रीन है, लाइट्स हैं, तो उस हिसाब से। बट वाजिद, ये फाउंडेशन ऐसा है कि आप इसको कम लगाएं तो वो आपके नॉर्मल डेली यूज के लिए बिल्कुल बिल्कुल, और कम लगाने पे भी आपको फुल कवरेज मिलेगा। लगाई थी तुमने अपने हाथ पे भी लगाई है, मेरे स्क्रीन दिखा सकते हैं, मैंने लगाई थी और बहुत एक डॉट लगाया था और आप इसकी कवरेज देख सकते हैं, मेरे हाथ पे बिल्कुल नजर नहीं आ रही। तो हम इसलिए इस वक्त स्क्रीन पर ज्यादा लगा रहे हैं ऑब्वियसली कि एक फॉर्मल हैवी लुक दे रहे हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपसे कहा कि एक बॉटल आपने ली और वो आपके साल भर चल जानी है, उसमें बहुत थोड़ा यूज होना है। नहीं, वो तो आप सही कह रही हैं, लेकिन जो सैलॉन्स पे जो करना चाहते हैं ब्राइड के लिए, सो ये आप उनके लिए भी बेस्ट फाउंडेशन है क्योंकि ये इसमें आपको लाइंस नहीं आएंगी, क्योंकि लाइट वेट फाउंडेशन है। अगर आपका फाउंडेशन का सिलेक्शन सही करेंगे तो आपके ऊपर कभी भी लाइंस नहीं आएंगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी हमारे लाफ लाइंस आ रही है, हमारे फाइन लाइंस, रिंकल्स दिख रहे हैं, तो वो क्यों दिखते हैं? जब आपका रंग डार्क होता है और आप लाइटर फाउंडेशन लगा लेते हैं, जब आप लाइट फाउंडेशन लगाते हैं तो कवर करने के लिए आपको ज्यादा लगाना पड़ता है, जब आप ज्यादा लगाते हैं तो लाइंस आती हैं। सो मेक श्योर करें कि आपका अपना फाउंडेशन का सिलेक्शन जो नंबर है वो सही हो। जैसे ये 16 नंबर है, दिस इज, आप ये कह रही है कंटूरिंग के लिए, मुझे लगता है ये भी फाउंडेशन के तौर पे आप इसको यूज करें। बहुत सारी लड़कियां मोस्टली ये वाला जो कलर है ना, तो ये हम 16 राइट, तो ये हम रिकमेंड करते हैं कॉन्टोरिंग के लिए क्योंकि डार्क कलर है और हमारी पाकिस्तानी स्किन के लिए बहुत अच्छा है कॉन्टोरिंग के लिए, और लिक्विड है, लिक्विड है उसकी, नहीं नहीं इतना अच्छा ब्लेंड होता है ये। डॉक्टर साहब, इसके अलावा मैं आपको सिर्फ ये बताते चलूं कि इस कॉम्प्लेक्शन की भी लड़कियां हैं, बहुत हैं, जो लड़कियां अपने आप को चाहती हैं कि गोरा दिखे। गोरा दिखना जरूरी नहीं है, अगर आपकी अपनी स्किन क्लियर नजर आएगी। अच्छा, आपने अगर ये डार्क कलर का फाउंडेशन लगाया, अगर आप इसके ऊपर पाउडर को थोड़ा सा लाइट लगाएंगे तो एक दो टोन मिलके एक नया शेड क्रिएट हो जाएगा। सो जो कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएंगे आप इस डार्क के ऊपर लगाएंगे तो आपका एक तीसरा शेड बन जाएगा, तो आप उससे क्या होगा, ग्रे नहीं होंगे। सामली लड़कियां जो जितनी, मैं सामली लड़कियों के लिए बात कर रहा हूं, जो व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन जिन लड़कियों का है, वो ये लगाएं और चाहती हैं कि थोड़ा सा उनका कलर ब्राइट लगे, तो उसके ऊपर एक जो पाउडर की लेयर होती है वो उससे एक टोन लाइट लगा लें, ताकि वो एक तीसरी टोन क्रिएट हो जाए, तो वो ग्रे नहीं होगी। यस, ये टिप है, वो ग्रे नहीं होगी, ठीक है, ओके, वरना अदरवाइज ग्रे हो जाता है अगर हम बहुत सफेद बनने की कोशिश करते हैं तो। अच्छा, इन फाउंडेशन में एक्सपोज में आपको ये बता दूं कि आपको अपना मॉइस्चराइजर नहीं लगाने की जरूरत, सिर्फ गोल्डन पर्ल सीरम लगाएं और उसके ऊपर डायरेक्ट, हमने कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाया था, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं क्योंकि इसमें मैंने मॉइस्चराइजर भी ऐड करवाया है और SPF 25 भी है।